के शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने आज मंगलवार को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा के तत्वाधान में जल संरक्षण अभियान के तहत इंदौरा में किसान मेला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सरवीन चौधरी ने कहा कि इंदौरा क्षेत्र में घटता जल स्तर हम सबके लिए एक गंभीर चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा हमें अपने बेहतर कल के लिए जल का संरक्षण संवर्धन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण के लिए संचालित जल शक्ति अभियान के सफल क्रियान्वयन के प्रति आम जन में चेतना जागरूक करनी ही होगी। उन्होंने वर्षा के जल की एक एक बूंद को सहेज कर रखने का भी आह्वान किया। सरवीन चौधरी ने कहा कि जल शक्ति अभियान को गति प्रदान करने के लिए इसे मनरेगा कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण कार्यक्रम के प्रति राज्य के सभी लोगों को सहभागिता के लिए विशेष कार्य योजना के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदौरा विकास खंड में जल शक्ति अभियान के तहत इस वर्ष 134 हेक्टेयर भूमि पर 90,000 पौधे रोपित किए गए। उन्होंने कृषि अधिकारियों से कहा कि वे शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक व प्रेरित करें। इस अवसर पर उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय कृषि विभाग तथा किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने किसानों द्वारा शून्य लागत प्राकृतिक खेती के द्वारा पैदा किए गए उत्पादों के लिए किसानों व कृषि वैज्ञानिकों की जमकर सराहना की। वाकई इसको कितना अनुदान देते हैं उसकी ओर हमें बढ़ना होगा। हाईवे में समुद्र में बहुत सारा पानी है, हम सब में से सबकी जनरल नॉलेज जितनी हो सकती है मेरे का बहुत पानी है। लेकिन आपके ध्यान में होगा बहुत सारे लोगों के ध्यान में साइंटिफिक तरीके से हम समुद्र के पानी का इस्तेमाल ना तो खेत में रख सकते हैं और ना ही पीने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसके जितने मिनरल्स हैं वो बाकी मछलियों के लिए जहां जल जंतु है उनके लिए तो उपयोगी होगा, लेकिन हमारे शरीर में अगर वो जाएगा तो जहर पॉइंटर होता है जितने मिनरल्स मल्टी मिनरल्स उसमें होते हैं। इसलिए जो हमें ग्राउंड वाटर जो है या फिर नदियों का बहता पानी जो है, जो ग्लेशियर का पानी है जो बहकर हमारे नदी नालों में आता है जिससे झरने के रूप में हमारा वो होता है, उसी को ही हम जो है आईपीएस विभाग की ओर से एग्रीकल्चर की ओर से उसी पानी का ही इस्तेमाल पीने के लिए खेत में कर सकते हैं। आपको ध्यान रखें समुद्र का पानी खेत में डाल देंगे वो जगह भंजन बन जाती है। हमें भी पता है कि बहुत पानी है, इतनी पानी की चिंता की जरूरत क्या है। पूरे विश्व में पानी की बहुत सारी लहरें होंगे, कई समुद्र है कई ग्राउंड वाटर है कई बहता हुआ ग्लेशियर का पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी जो है उसका बहुत कम मात्रा है जो हमारे ग्राउंड वाटर में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।